राहुल राय। हाँ यस, वेरी नाइस। आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। हाँ हाँ सर। अब ये बताओ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, इसमें क्या फ़र्क होता है, क्या सब्जेक्ट में फ़र्क हो जाता है? सर जो बेसिक डिफरेंस है सर, वो प्रिंसिपल्स पे, कि किस प्रिंसिपल्स पे दोनों काम करते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एक इलेक्ट्रिकल का ही इवॉल्व वर्जन है, जिसमें कि सर लो पावर पे काम होता है और अप टू हायर फ्रीक्वेंसीज। जैसे इलेक्ट्रिकल में हम यूज करते हैं, बात करते हैं इंसुलेटर और कंडक्टर्स की, इसमें बात करते हैं हम सब सेमीकंडक्टर्स की। जैसे कंडक्टर में जो हमारा बैंड गैप होता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में, वो ओवरलैप्ड होता है, और सेमीकंडक्टर में वो थोड़ा सा गैप होता है, जो कि मतलब हम अगर उसको एक्साइट कर दें किसी भी तरीके से, तो सर वैलेंस बॉन्ड से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, तो फिर वो कंडक्ट करना शुरू। अच्छा ये बताओ, मान लो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो आप प्रोजेक्ट ऑफिसर में, मान लो आप खुद इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में ही रहते, आप कहीं स्टेट पावर कंट्रोल रूम में आप बैठे रहते, आप कंट्रोल रूम के इंचार्ज रहते, और आप देख रहे थे कि फ्रीक्वेंसी बड़ी तेजी से फॉल कर रहा है, क्या करेंगे आप उस समय? आप देखते हैं कंट्रोल में फ्रीक्वेंसी पर सप्लाई होती है पूरे स्टेट की, बहुत तेजी से गिर रहा है, नीचे गिरना शुरू हो गया है, क्या इंप्लीकेशंस और क्या इस टाइम एक्शन आप लेंगे तुरंत? एनी आइडिया? फॉरगेटिंग, कोई बात नहीं, भूल गए हैं काफी दिन। अब ये बताइए, चूंकि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट आना है, बिहार में इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट करने के लिए इंसेंटिव पॉलिसी बनाई गई है, इन पॉलिसी की मुख्य सेलियंट फीचर्स जिसको कहते हैं, कुछ बताइए। सर इसका जो मेन फीचर है वो इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट करने के लिए और इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि जिससे कि हमारे रीजन में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सके और उससे ओवरऑल जो पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ सके। इसके लिए सर स्टेट गवर्नमेंट इंसेंटिव्स देती है, सब्सिडीज देती है। इसमें सर जैसे एग्रीकल्चर के सेक्टर में जो अगर हम इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं, तो जो इंडिविजुअल्स इस्टेब्लिश करते हैं उनको सर 15% की सब्सिडी दी जाती है, और अगर फार्मर प्रोड्यूसर अगर कोलेबोरेट करके करते हैं तो सर उसमें 25% तक की दी जाती है। वैसे ही सर अभी बिहार गवर्नमेंट का बीआरडीए के थ्रू जो हम लैंड लीज करते हैं, तो उसमें सर 20% से 80% तक का ये जो लीज रेंट है उसमें डिस्काउंट ऑफर कर रही है। तो ये कुछ वैसे है, आपको उम्मीद है कि इस पॉलिसी से बिहार में कुछ उद्योग और आएंगे? मैं जब से सर्विस में, तो खैर रिटायर किए हुए कई साल हो गए, तब से सुन रहा हूँ बिहार में इंडस्ट्री, तब से ये आप भी सुन रहे हैं, तो क्या नहीं लगता कि ये सब बोगस है, इन सबसे बिहार का कोई इंडस्ट्री को कोई भला होने वाला नहीं, बिहार की समस्याएं कुछ और हैं? क्या विचार है आपका? मैं थोड़ा क्रिटिक हूँ, आपका क्या विचार है इस संबंध में? सर बिहार में समस्याएं हैं, बट अगर रिसेंट पास्ट में देखें तो सर इंडस्ट्रीज का आना पिकअप हुआ है, अभी हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ रेट होना शुरू हुआ है। जैसे अगर बात करें पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर की, तो आज से 17-18 साल पहले सर बिहार में जो प्रोडक्शन कैपेसिटी थी वो 1000 मेगावाट के अराउंड थी, बट आज सर 17-18 सालों में हम लोग 8 times इंक्रीज कर चुके हैं, आज 7700-7800 मेगावाट के अराउंड हम पावर जनरेट कर रहे हैं। तो सर जो एक इनपुट, मेन इनपुट होता था पहले इंडस्ट्रीज को, वो पावर की वो मिल नहीं पाती थी। सर साथ में हमारा लिटरेसी रेट पहले डाउन था, अभी हम काफ़ी तेजी से इसमें प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो सर अब जो इंडस्ट्री जाएंगी उसको स्किल्ड और सेमी स्किल्ड मैन पावर मिलेंगे। और सर पहले जो हमें लैंड के लिए लैंड एक्विजिशन में इश्यूज होती थी, तो उसके लिए हम लोगों ने बियाडा स्पेशलाइज्ड एजेंसी बना दी है, जो कि लैंड बैंक्स बना रही है। हमने सर 74 इंडस्ट्रियल एरिया बनाए हैं, इंडस्ट्रियल जोन्स, जो जिनका कि काम ही यही है कि अपने रीजन में, अपने क्लस्टर्स में इंडस्ट्रीज को डेवलप करना। तो सर डेफिनेटली इन फ्यूचर वी विल डू वेरी गुड इन इंडस्ट्रीज। अच्छा थोड़ा सा ये बाहर निकलते हैं, बिहार के बाहर जाते हैं, एक G20 का हुआ, काफी उसकी मीटिंग्स हो रही है, आगे और भी होने लगी, क्या आपको नहीं लगता कि ये सब केवल तमाशा है, ये केवल एक शो करने के लिए कि सरकार बहुत काम कर रही है, वास्तव में G20 के इस मीटिंग से भारत को कोई फायदा नहीं होने वाला है? आपका क्या रिएक्शन है, कैसा महसूस होता है आपको? सर अभी इंडिया वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज है, और साथ ही हम UN के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं कि हम एक मेजर कंट्री हैं, हमारे पास इतनी पॉपुलेशन है, अराउंड 16-17% ऑफ द वर्ल्ड, और हम एक काफ़ी बड़े रीजन को रिप्रेजेंट भी करते हैं। तो सर मेरा ये मानना है कि हमें अगर ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे जाना है, तो पहले हमें रीजनल और इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म्स पे अपने आप को, अपना प्रेजेंस दिखाना होगा। तो सर इसके लिए G20 एक हमारे लिए बहुत बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पे सर जो मेजर इकोनॉमीज हैं, 19 मेजर इकोनॉमीज और साथ में यूरोपियन यूनियन, तो उसको रिप्रेजेंट करने का, उसको होस्ट करने का हमें मौका मिल रहा है। तो इससे सर हम अपने कंट्री में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, हम सर इसको भी शोकेस कर रहे हैं वर्ल्ड लेवल पे।
तो सर ये एक अपॉर्चुनेट मोमेंट है हमारे कंट्री के लिए। एक आपने फिर आप टर्म किया हैपनिंग है, किसी का फोन है क्या यार, इंडिया इज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। मेरे ख्याल से कुछ नहीं, एक जार्गन है, ऐसा कुछ है नहीं। भारत में रिटेल इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ते जा रहा है, केवल ये प्रोपोगेंडा है, भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ का बबल बर्स्ट करने वाला है। आपका क्या रिएक्शन, आप हमसे सहमत हैं या नहीं सहमत? सॉरी सर, इसमें मैं थोड़ा डिफर करूंगा आपके साथ। सर एक्चुअली इंडिया का अगर जो ग्रोथ रेट देखे तो अभी जो वर्ल्ड की मेजर इकोनॉमी है उसमें सबसे फास्टेस्ट है। अभी हम लोगों ने ब्रिटेन को ओवरटेक करके अभी वर्ल्ड की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है सर, और परचेजिंग पावर पैरिटी में हम लोग थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अभी सर वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का प्रोजेक्शन है कि बाय 2070 वी विल बी द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी आफ्टर चाइना। तो सर हमारा ग्रोथ रेट है, और जो सर रियल टर्म्स में इनकम इंक्रीमेंट हो रहे हैं तो सर उससे भी ये हो रहा है कि हमारा देश ग्रो कर रहा है। जैसे अगर सर फार्मर्स इनकम की बात कर ले तो पिछले 6-7 सालों में 7-8 स्टेट्स ने ऑलरेडी फार्मर्स का इनकम डबल कर लिया। उसमें सर हमारा एक बिहार भी स्टेट है जहाँ पे फार्मर्स का इनकम ऑलमोस्ट डबल हो गया। तो सर हम लोग काफ़ी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। हमारा जो एक्सपोर्ट है सर वो एक्सपोर्ट 750 बिलियन क्रॉस कर चुका है। तो सर हम लोग मेजर इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, हम वर्ल्ड में अपना इम्प्रिंट छोड़ रहे हैं। एक और टर्म आपने ही यूज किया, मैं यहाँ टर्म को परचेजिंग पावर पैरिटी आपने ही शब्द बोला। यस सर। ये क्या होता है, ये क्या चीज है? सर जैसे दो डिफरेंट इकोनॉमीज हैं तो दोनों में सर ग्रोथ का लेवल और वहाँ का इन्फ्लेशन लेवल, वहाँ का कंजम्पशन बास्केट, वहाँ पे प्राइस डिफरेंट्स होते हैं। तो सर परचेजिंग पावर पैरिटी में हम करते हैं कि जो बेसिक कमोडिटीज हैं एक बास्केट बनाते हैं कि उसको परचेज करने के लिए, जो बेसिक नेसेसिटीज है उसको फुलफिल करने के लिए किसी दो कंट्रीज में कितना इनकम लग रहा है। जैसे सपोज कि जो हमारा बेसिक नेसेसिटी है, अगर हम अमेरिका में $1,000 पे कर रहे हैं और इंडिया में 5,000 रुपीज पे कर ले रहे हैं, तो सर परचेजिंग पावर कैपेसिटी में अगर हम $5,000 $1,000 के बराबर हो गए, बट सर एक्सचेंज रेट में ये डिफरेंट होता है। तो सर यही है परचेजिंग पावर। थैंक यू। शक्ति, अभी आपने बताया कि एक्सपोर्ट जो है वो ग्रो कर रहा है ना, तो अब बताइए किस चीज का है ये, फिनिश्ड गुड का है या रॉ मटेरियल का? सर इसमें दोनों ही है, बट अभी सर इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल ज्यादा है और एग्रीकल्चर में भी सर हम रॉ मटेरियल भेज रहे हैं ज्यादातर, बट सर्विसेज इसका इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? सर अगर हम फिनिश्ड गुड्स भेजें तो हमें जो वैल्यू एडिशन करके भेजेंगे तो उसका सर हमें बेटर प्राइस रिलेशन होगा। अभी सर हम जो रॉ मटेरियल्स भेजते हैं तो वो सस्ते भाव में निकल जाता है, तो इससे थोड़ा हमें फॉरेक्स का नुकसान है क्योंकि हम फिर उसी चीज को फिनिश्ड गुड के तौर पे खरीदते हैं। जैसे हम जापान को स्क्रैप स्टील और आयरन भेजते हैं और फिर वहां से सर हम फिनिश्ड गुड्स खरीदते हैं, तो सर वो काफी महंगा पड़ जाता है फिर हमें। सेम गोज विथ कॉटन, टेक्सटाइल्स एक्सेट्रा। ठीक है, अब आप जैसे बात कर रहे थे बिहार के डेवलपमेंट का, तो उसमें इंटीग्रेशन एक टर्म आता है ना, आपको लगता है इंटीग्रेशन मतलब रोड को इंटीग्रेट करना, जो कम्युनिकेशन है उसको इंटीग्रेट करने की बात है, क्योंकि आपको जो फिनिश्ड गुड है या आपका रॉ मटेरियल है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाना है, तो आपको लगता है कि वहाँ पर हम लोगों ने बेहतर काम कर लिया? सर अगर कंपेयर करें कुछ साल पहले और अभी में तो सर अगर हमको कंपेयर करना पड़ेगा तो कुछ साल पहले भी करेंगे, अभी भी करेंगे, और अभी का करेंगे और डेवलप्ड स्टेट के साथ भी करेंगे। हाँ तो बताइए। सर अगर हम कंपेयर करें कुछ साल पहले से और आज में, तो सर बिहार में हाईवेज और अभी बढ़े हैं। अभी हमारे यहाँ नेशनल हाईवेज का जो लेंथ है वो ऑलमोस्ट 5500 किलोमीटर के राउंड है। सेम गोज विथ रेलवेज का, वहाँ पे 4000 स्क्वायर किलोमीटर रूट किलोमीटर है हमारे पास, और सर अभी हम वाटरवेज डेवलप कर रहे हैं, जो नेशनल वाटरवे 1 डेवलप हुआ है तो सर हम उसको कनेक्ट कर रहे हैं मल्टी मॉडल, तो इससे सर हमारा जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट होगा वो सर काफी डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि वाटरवेज से हमारा कॉस्ट डिक्रीज हो जाता है काफी हद तक। बावजूद इसके इंडस्ट्री क्यों नहीं अट्रैक्ट हो रहा है? सर उसके पीछे कुछ इश्यूज हैं, जैसे बिहार में एक तो क्रेडिट फैसिलिटी है वो सर अभी उतना डेवलप नहीं हुआ है। अगर हम नेशनल एवरेज से बात करें, अगर बिहार के क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो का, तो बिहार में सर ये अराउंड 36% है, जबकि सेम ये नेशनल लेवल पे 72% है। तो सर बिहार में जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको पहली सबसे बड़ी इशू आती है क्रेडिट फैसिलिटी की। दूसरा, एक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलस स्टेट है, तो सर यहाँ पे
पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो सर लैंड एक्विजिशन का एक प्रॉब्लम आता है। तीसरा सर, यहाँ पे जो नॉर्थ बिहार है सर, वहाँ पे कुछ नेचुरल फैक्टर्स हैं, लाइक वहाँ पे आए दिन फ्लड आते रहता है, तो वहाँ पे थोड़ा इंडस्ट्रीज वगैरह को सेटअप करना मुश्किल हो जाता है। और साउथ बिहार में हमारे पास इकोसिस्टम जो है थोड़ा फ्रेजाइल है, जो हमारा कैमूर और रोहतास वगैरह का है, ये इधर ये इको सेंसिटिव जोन है, इधर माउंटेन्स है और फॉरेस्ट एरिया है। अभी आपने एक टर्म यूज किया था सर से जब आप बात कर रहे थे, इंटर गवर्नमेंटल, है ना, एक शब्द आपने इस्तेमाल किया था, ये ट्रांसनेशन और इंटर गवर्नमेंटल, इस दोनों के बीच में क्या डिफरेंस? सर आई वुड लाइक टू टेक 10 सेकंड्स टू थिंक ऑन इट। टेक योर टाइम। सर अगर इंटर गवर्नमेंट की बात करें तो वहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज या फिर डिफरेंट स्टेट्स के जो गवर्नमेंट हेड्स होते हैं वो आपस में कोलेबरेट करते हैं, मतलब गवर्नमेंट्स आपस में कोलेबरेट करती है, और तो इसको इंटर। और जो सर ट्रांसनेशनल की बात करें तो सर उसमें कोई प्रोजेक्ट है जैसे सपोज, तो वो डिफरेंट कंट्रीज तक फैला हो सकता है। सर शायद मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बट जितना मैंने ट्राई किया। यूरोपीय यूनियन और अदर ब्लॉक्स जो हैं, जैसे सार्क है, आसियान है, ये सब के बीच क्या डिफरेंस है? एक तरफ तो आप रख लीजिए सार्क और आसियान इस सबको, और एक तरफ आप रखिए यूरोपीय यूनियन को, इनमें और इनके बीच में क्या डिफरेंस है? सर दोनों जो ब्लॉक्स हैं उसमें सर जो हमारे इकोनॉमिक टर्म्स में इंटीग्रेशन का बात आता है सर, उसका बेसिक डिफरेंस है। जैसे हम अगर ब्लॉक्स बनाते हैं किसी के साथ, अगर एग्रीमेंट्स करते हैं, तो ये हमारा स्टार्ट होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से सर, इस ये धीरे धीरे फिर इवॉल्व होता है। पहले फिर हम इसको कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पे ले जाते हैं, फिर कोऑपरेशन एग्रीमेंट, ऐसे ऐसे। तो सर उसका वन ऑफ द हाईएस्ट फॉर्म है अभी जो हमारा यूरोपियन यूनियन है, वहाँ पे सर एक तरह से मॉनेटरी यूनियन हो जाता है, वहाँ पे जो डिफरेंट बैंक्स डिफरेंट। जो क्वेश्चन मैं कर रहा था ट्रांसनेशन और इंटर गवर्नमेंटल, क्या कुछ वहाँ पे झलक दिखने को मिल रहा है आपको? सॉरी सर मैं इसमें ज्यादा। अच्छा चलिए, गैट और WTO में क्या डिफरेंस है ये बता दीजिए। सर गैट जो था जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ्स, ये सर 1995 में बोलिस करके, और इसके जगह पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया ताकि बेटर कोऑर्डिनेशन हो सके कंट्रीज के बीच में ट्रेड को लेकर। वो था क्या? सर वो भी ट्रेड फैसिलिटेशन के लिए था ताकि जो कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर। अच्छा एक क्वेश्चन और बताइए, लास्ट क्वेश्चन है, स्टेट अगर मॉडल स्टेट हो जाए, स्टेट अगर मॉडल स्टेट हो जाए, राज्य अगर नैतिक राज्य हो जाए, तो इसका क्या फायदा है क्या नुकसान है? सर थोड़ा समय लेना चाहूंगा। सर अगर स्टेट मोरल हो जाए तो सर मेरे ख्याल से वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी सिटीजन्स के प्रति बढ़ जाएगी, तो उससे सर जो सोशल वेलफेयर का हमारा होगा सिटीजन्स का वो ज़्यादा होगा। साथ ही साथ सिर्फ हम अपने इंटरेस्ट को ना ध्यान देके पूरे ग्लोबल और पूरे यूनिवर्स के इंटरेस्ट का ध्यान रखेंगे, और सर इससे डिमेरिट्स की अगर बात करें तो मैं भी सर सोच नहीं पा रहा, सॉरी सर। अच्छा अपना आपका बीटेक कब हुआ है? सर 2016 में। 16 में, तब से आप क्या कर रहे हैं? सर उसके बाद मैंने 2 साल काम किया था L&T कंस्ट्रक्शन में, WDFC प्रोजेक्ट पे जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है, उसमें 2 साल काम किया। उसके बाद सर सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, बीच में कुछ टाइम मैंने फ्रीलांस के तौर पर काम किया, और फिलहाल अभी गवर्नमेंट ISPCS कोचिंग सेंटर है, ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की एक स्कीम है, तो हापुड़ में एक उनका गवर्नमेंट ISPCS कोचिंग सेंटर है, तो सर वहाँ पे मैं मेंटोर हूँ। ठीक है, तो आपको नहीं लगता कि आप एज ए इंजीनियर हैं तो आपको इंडस्ट्री के तरफ जाना चाहिए था, आपको इंजीनियरिंग के सेक्टर में जाना चाहिए था, तो आप इधर क्यों आ रहे हैं? सर एक्चुअली जब मैं कॉलेज के फाइनल ईयर में था तो मेरा तब थोड़ा इंक्लिनेशन सिविल सर्विस की तरफ सर बढ़ा। एक्चुअली हमारे कॉलेज में एक ग्रुप था जिसका नाम था वी कैन, वो सर उसका मेन पर्पस ये था कि जो कॉलेज के कैंपस की विसिनिटी में जो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रेन है
उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना और उनका ओवरऑल डेवलपमेंट कराना। तो सर उस ग्रुप के साथ, उस क्लब के साथ मैंने काम किया, तो तब से थोड़ा थोड़ा मेरा झुकाव बढ़ता गया। फिर सर जब मैं जॉब में था तो वहाँ पे भी सर मेरा साइट प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में था, तो काफ़ी स्टेक होल्डर के साथ सर मुझे इंटरेक्ट करना पड़ता था। तो सर ये झुकाव मुझे और बढ़ता गया और शायद मुझे लगा कि मैं सिविल सर्विसेज फील्ड में बेटर कर सकता हूँ और अपने जो एनालिटिकल और टेक्निकल स्किल्स हैं मैं उसको यूटिलाइज कर सकता हूँ सर सिविल सर्विसेज। सर प्रोजेक्ट मैनेजर बनते हैं, ठीक है, उसमें आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को किस तरीके से इन्वॉल्व करेंगे? सर जो मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से अपना बीटेक किया तो सर वहाँ से मुझे एक टेक्निकल स्किल और साइंटिफिक टेम्परामेंट मिला है जिसको कि मैं किसी भी प्रोजेक्ट में यूज कर सकता हूँ उसकी फिजिबिलिटी वगैरह गॉज करने के लिए। सर साथ ही साथ आज अगर कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसमें सर पावर एक बहुत बड़ा अहम इनपुट हो जाता है। तो सर कैसे उसमें कॉस्ट कटिंग करना है, कैसे सिस्टम की इफिशियंसी को बढ़ाना है, तो सर ये सब मुझे यहाँ से हेल्प करेंगे सर। अच्छा, तो आप इंडस्ट्री को इलेक्ट्रिफिकेशन करने के लिए क्या क्या आपके सेफ्टी मेजर्स होंगे, स्टेप्स होंगे आपके इंडस्ट्री के इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए? सर पहले तो किसी भी इंडस्ट्री के लिए हमको उसका डिटेल्ड प्लान देखना पड़ेगा कि क्या है, उनके डिमांड क्या है, हम उसके अकॉर्डिंग उन्हें लोड सप्लाई करेंगे। साथ ही साथ इंडस्ट्री में जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं, मतलब जो भी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स और सर्किटरी के लगे हुए जो भी रिले सर्किट ब्रेकर्स वो प्रॉपर हैं कि नहीं, मशीन जो है प्रॉपर विद इन द लोड लिमिट्स काम कर रहा है कि नहीं, स्मार्ट मीटरिंग वगैरह स्मार्ट इक्विपमेंट्स यूज करेंगे ताकि उसकी एफिशिएंसी बढ़े और वो ज़्यादा प्रोटेक्शन दे एम्प्लॉयज और वर्कर्स को। वहाँ ट्रांसफॉर्मर टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं? सर ट्रांसफॉर्मर टेस्टिंग के लिए सर एक शॉर्ट टेस्ट करते हैं और एक शॉर्ट सर्किट टेस्ट और एक ओपन सर्किट टेस्ट के थ्रू होता है सर। अब उसके टेक्निकलिटी सर नहीं, मैं उतना रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा ठीक है। और अच्छा अपने ऑप्शनल में इकोनॉमी क्यों लिया, अपना इलेक्ट्रिकल ब्रांच क्यों नहीं लिया? सर जब मैं सिविल सर्विसेज में आया तो यहाँ पे सर मुझे जीएस में एक पेपर जो होता है GS3 का, तो वहाँ पे सर इकोनॉमिक्स पढ़ना होता है, तो मैंने सोचा कि मैं कोई ऐसा सब्जेक्ट लूँ जो मुझे उसके साथ ओवरलैप कर जाए तो थोड़ा मेरा बर्डन कम हो जाए। साथ में सर इकोनॉमिक्स मेरे लिए टोटली नया था और मुझे लगा कि आज के सर प्रेजेंट सोसाइटी में और प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर में इकोनॉमिक्स की काफ़ी इंपॉर्टेंस है, चाहे ये पर्सनल लेवल पर हो, प्रोफेशनल लेवल पर हो या कंट्री लेवल पर हो। लेकिन सर कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, कितना डेवलपमेंट हो रहा है, ये सारे पैरामीटर्स को गॉज करता है इकोनॉमी। तो सर मुझे लगा कि शायद ये नया फील्ड और काफी अच्छा रहेगा जिसका मुझे जानकारी होनी चाहिए, ये मुझे फ्यूचर में सर्विसेज में हेल्प करेगा काफी। इंडस्ट्री में कितने किस टाइप के फॉल्ट होते हैं? फॉल्ट एनालिसिस इंडस्ट्री में किस टाइप के फॉल्ट जनरली पाए जाते हैं? आप प्रोजेक्ट मैनेजर होंगे वहां पे, आप इलेक्ट्रिक पे ज्यादा ध्यान देंगे, आप तो किस टाइप के फॉल्ट को आप प्रिकॉशन करेंगे? पहले तो ये पता होना चाहिए कि वहां पे फॉल्ट होता होगा किस टाइप का फॉल्ट। सर एक तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है डिफरेंट वायर्स के बीच में सर, फिर कोई वायर टूट, मतलब सर उतना अच्छे से भी मैं रिकॉल नहीं कर रहा, इसको जाके एक बार मैं देखूंगा। अच्छा ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पेनल्टी इन द फुटबॉल? सर पेनल्टी एक्चुअली जो पेनल्टी एरिया होता है, जो बॉक्स होता है पेनल्टी बॉक्स 11 यार्ड्स का, तो उसके अंदर अगर सर हम कोई फाउल करते हैं अपोनेंट के अगेंस्ट जो हमारे इस पर अटैक कर रही है, तो या फिर वहाँ पे कोई हैंड करते हैं और सर उसका इंटेंशन देखा जाता है कि अगर हैंड हुआ है इंटेंशनल है या फिर क्या, तो सर उसके लिए पेनल्टी अवार्ड किया जाता है जो कि 10 यार्ड से लिया जाता है और उसमें कोई बीच में नहीं होता है, सिर्फ गोलकीपर और जो अपोजिट टीम है उसका एक स्ट्राइकर होगा। अभी हाल में ही हमारे इंडिया ने फुटबॉल कप मैच जीता है, कौन सा कप है वो? सर सैफ कप, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप। उसका कौन था मैन ऑफ द मैच? सर आई थिंक छांगटे करके हैं उनका पूरा, नहीं छेत्री नहीं सर, वो छांगटे हैं, उन्होंने गोल मारा था जो 1-1 इक्वल हुआ था मैच टाइम में, तो सर वो गोल सर उनका था। क्या नाम था उनका, नेम क्या? एल से करके है सर कुछ, वो टाइटल उनका छांगटे याद है। ठीक है सर। राहुल आपका फॉर्मल इंटरव्यू खत्म हो गया लेकिन आपसे कुछ और बात करनी है, आप दरवाजे पर जाएं।